Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Kamini Bundi. Today we are going to learn class 5, subject EVS 1, lesson number 4, Environmental Balance. There are many food chains in our environment. Because of these food chains, every living thing gets the food it needs and therefore continues to live. अभी ये एक फूड चेन है जिसके ऊपर लिविंग थिंग पूरी तरह से डिपेंड है हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए अपना जीवन बिताने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिस्यू डेड एनिमल्स एक्सक्रेटा एक्सेट्रा एज अ रिजल्ट सब्सटेंसेज दैट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ प्लान्ट आर फॉर्म एंड गेट एडेड टू द सॉइल प्लान्टूज देम फॉर देअर ग्रोथ देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं तो ये जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म कीटाणु रहते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग डिकॉम्पोजिशन का काम करते हैं डी यानी क्या तो पेड़ के पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं और जो डेड एनिमल्स इधर उधर मरते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं और एक्सक्रेटा यानी जो गोबर है वो भी मिट्टी में मिल जाता है इन सबका खत हो जाता है और ये सब मिट्टी में मिल जाता है फिर मिट्टी में मिट्टी में से वो एक खाद के रूप में फिर से ट्रीज को मिलता है जो खाद बन जाता है उसे प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है द प्लांट्स यूज सब्सटेंसेस इन द साइल फॉर देयर ग्रोथ एंड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई द डीकम्पोजिशन ऑफ देयर रिमेन्स एड्स दिस सब्सटेंसेस टू द साइल वंस अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइकिल इन द एनवायरनमेंट मतलब हर हर एक लिविंग थिंग को मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है उसके बाद वो डिकम्पोजिशन हो जाता है और उसी से ये प्लांट्स बढ़ते हैं तो ये क्या है साइकिल इन इन द एनवायरनमेंट अल्सो लिविंग थिंग्स गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल वाटर साइकिल के बारे में पता है आपको लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीथिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड गेट्स एडेड टू द एयर अगेन दिस इज दिस टू इज अ साइकल इन नेचर मीन्स लिविंग थिंग है जो हम लोग जो इंसान है वो लोग हवा में हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पता है आपको कि हम ऑक्सीजन अपने ब्रीथिंग में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं प्लांट्स क्या करते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं इससे क्या होता है ऑक्सीजन जो है वो साइकिल इन नेचर हो जाता है देयर आर सेवरल अदर सच साइकल्स इन द इन नेचर दस देयर इज इंटरेक्शन अमंगस लिविंग थिंग्स एंड बिटवीन लिविंग थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर द इंटरेक्शंस गो ऑन कंटिन्यूसली दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेंज इन द एनवायरनमेंट व्हेन द वेरियस साइकल्स इन द एनवायरनमेंट गो ऑन ऑन इंटरप्टेड इन्वामेंटल बैलेंस गेट्स मेंटेन मतलब हमारे नेचर में बहुत सारे साइकल्स है ये एक साइकिल है जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में है ये इंटरेक्शन कहीं भी रुकने वाला नहीं है उसकी वजह से इन्वामेंट का फूड चेन मेंटेन होता है अगर बिना किसी इंटरेक्शन के बिना चेन को तोड़े अगर यह इन्वायरमेंटल इसी तरह से मेंटेन रहेगा तो इन्वायरमेंट में बैलेंस भी मेंटेन रहेगा इसके लिए उसको डिस्टर्ब नहीं करना है ओके अभी ऑलवेज रिमेंबर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज़ इम्पोर्टेंट डेट इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। मतलब क्या अगर लिविंग थिंग्स को अच्छे से रहना है अपना जीवन अच्छे से बिताना है तो एन्वायरमेंट को बैलेंस रखना ही पड़ेगा इस तरह से यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश्ड होता है समझ में आया आपको लेसन डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन ओके थैंक यू डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल